नमस्कार बीसीएन न्यूज के सुपर फास्ट 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। नकली रेमडेसिविर बेचते दो गिरफ्तार, 28,000 में तय किया था सौदा, सक्करदरा थाना अंतर्गत का मामला। पिंकी वर्मा हत्या मामले में दो गिरफ्तार, दादागिरी के चलते हुई थी पिंकी की हत्या, पाचपावली पुलिस थाना अंतर्गत का मामला। कोरोना के बिगड़ते हालात में मंगलवार को पीएम मोदी ने जनता से साधा संवाद, कहा कि कोरोना के खिलाफ देश आज फिर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे करेंगे जनता को संबोधित, राज्य में फिर एक बार लगाया जा सकता है लॉकडाउन। लगातार तीसरे दिन मिले 2,00,000 से ज्यादा मरीज, पिछले 24 घंटे में 2,59,170 मरीज आए सामने। राज्य स्कूल शिक्षा द्वारा ली जाने वाली 10वीं की परीक्षाएं हुई रद्द, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास होंगे विद्यार्थी, राज्य शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दी जानकारी। शहर में सादगी से मनाया जाएगा रामनवमी का पर्व, राम मंदिर में भी हर वर्ष की तरह नहीं दिखेगी रौनक, नहीं निकलेगी शोभा यात्रा। मंगलवार को शहर में 6,890 कोरोना मरीज आए सामने, 26,080 लोगों की गई जांच, 91 लोगों ने गवाई जान। बजाज नगर थाना अंतर्गत दुकान में सेन लगाकर हुई चोरी, चोरों ने 2,92,000 के माल पर किया हाथ साफ। मनमाने पैकेज से आर्थिक बदहाल हो रही जनता, मध्यम वर्गीय फंसे कर्ज के जाल में, कोरोना कर रहा कंगाल। सुपरफास्ट 10 में फिलहाल इतना ही, ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।